अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फॉर क्लास 7। टुडे वी विल स्टार्ट आवर रिमेनिंग रीडिंग ऑफ चैप्टर अ वॉइस इन द डार्क, ओपन पेज नंबर 104। कम, आई सेड टू जैक, देर इज़ नो टाइम टू लूज एंड वी क्विकली जम्प्ड आउट ऑफ द एम्प्टी कार। आओ, ज़्यादा वक्त नहीं है, मैंने जैक से कहा और हमने तेज़ी से खाली डब्बे से छलांग लगा दी। दिस फास्ट पैसेंजर ट्रेन कैरिड अ ब्लाइंड बैगेज कार, which means that the end nearest to the engine was blind in having no door. इस तेज़ रफ्तार मुसाफिर ट्रेन के साथ एक सामान का खाली डब्बा भी था। ये डब्बा इंजन के साथ बिल्कुल पीछे जुड़ा हुआ था, जिसकी कोई दरवाजे खिड़कियाँ नहीं थीं। Our object was to suddenly appear from a hiding place, darkness being favorable, and leap on the step of this car, and from that place to the platform. This being done when the train was in motion, knowing that the conductor, who was always on the watch for such doings, rarely stopped the train to put men off, even when sure of their presence. इंजन तक जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमारा इरादा ये था कि हम अचानक अपनी छुपी हुई जगह से निकलें और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए इस सामान के डब्बे की सीढ़ी पर चढ़ जाएं। ये हमने उस वक्त करना था जब ट्रेन आहिस्ता रफ्तार से चलना शुरू हो, ताकि ट्रेन का कंडक्टर अगर हमें देख भी ले तो वो ट्रेन को फौरन रोक ना सके। इफ़ ही सॉ अस बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, ही वुड सर्टेनली टेक मीन्स टू प्रिवेंट अस फ्रॉम राइडिंग। टच नहीं हुआ। अगर वो हमें ट्रेन चलने से पहले देख लेगा तो वो हमें ट्रेन पर चढ़ने नहीं देगा। When we had once taken possession of this car, no man could approach us until we reached the next stopping place, which would probably be 50 miles or much more. एक दफ़ा अगर हम इस सामान के डब्बे पर चढ़ गए तो फिर कोई हम तक नहीं पहुंच सकेगा अगले स्टेशन के आने तक, और हम 50 मील या उससे ज़्यादा दूर तक पहुंच चुके होंगे। At that place, we would dismount, conceal ourselves and when it was again in motion, make another leap for our former place. और इसी तरह जब ट्रेन अगले स्टॉप पर स्लो होगी तो हम डब्बे से उतर जाएंगे और ट्रेन के चलने पर दोबारा चढ़ जाएंगे। ऑफ कोर्स द इंजीनियर एंड फायरमैन कुड रीच अस, बट दीज मैन वर ऑलवेज इंडिफरेंट एंड नेवर इंटरफेयर्ड, their business being ahead instead of behind the engine. ऐसा हो सकता था कि इंजीनियर और फायरमैन हम तक पहुंच जाएं, लेकिन ये लोग इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते थे, क्योंकि इनका काम ट्रेन को आगे बढ़ाना होता था, ना कि ट्रेन की खबरगिरी करना। द ट्रेन whistled almost बिफोर वी were रेडी एंड pulled स्लोली आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन सीटी बजाती है इससे पहले कि हम तैयारी करते, वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाती है। आई अलोड माई कंपेनियन द एडवांटेज ऑफ बींग द फर्स्ट टू जम्प ओइंग टू हिज मेम्ड हैंड। मैं अपने साथी को आगे बढ़ने देता हूँ ताकि वो मुझसे पहले डब्बे पर चढ़ जाए। द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग फास्टर एंड वी वर फोर्स्ड टू कीप पेस विद इट। ट्रेन की रफ्तार तेज़ हो जाती है और हमें इसके साथ साथ भागना पड़ता है। मेकिंग अ लीप, ही कॉट द हैंडल बार एंड स्प्रिंग लाइटली ऑन द स्टेप, आफ्टर विच माई हैंड्स क्विकली टुक पोजिशन ऑफ दिस बार एंड आई रैन विद द ट्रेन प्रिपेयर टू फॉलो हिज एग्जाम्पल। मेरा साथी डब्बे का हैंडल पकड़ लेता है और सीढ़ी पर चढ़ जाता है। मैं भी इस हैंडल को पकड़ लेता हूँ और ट्रेन के साथ दौड़ने लगता हूँ अपने साथी की तरह। To my surprise, instead of at once taking his place on the platform, my companion stood thoughtlessly, irresolute on the step, leaving me no room to make the attempt. मुझे ये देखकर हैरत हुई कि मेरा साथी सीढ़ी पर इस तरह खड़ा हो गया कि मेरे चढ़ने की जगह बाकी नहीं रही और वो ऊपर चढ़ने के बजाय अपने ख्यालों में गुम हो गया। But I still held to the bar. Though the train was now going so fast that I found great difficulty in keeping step with it. लेकिन मैंने हैंडल नहीं छोड़ा जबकि ट्रेन की रफ्तार तेज़ हो गई थी और मुझे उसके साथ दौड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। I shouted to him to clear the step.
मैं अपने साथी पर चीखा कि मुझे सीढ़ी पर जगा दो। दिस ही प्रोसीडेड टू डू वेरी डेलिब्रेटली आई थॉट। उसने मुझे जगा दी ऐसे कि जैसे उसने जानबूझकर ये काम किया हो। टेकिंग अ फिर्मर ग्रिप ऑन द बार आई जंप्ड, बट इट वॉज टू लेट फॉर द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग अ रैपिड रेट। मैंने हैंडल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और छलांग लगाई, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और ट्रेन की रफ्तार इंतहाई तेज़ हो चुकी थी। माई फुट केम शॉर्ट ऑफ द स्टेप एंड आई फेल, एंड स्टिल क्लिंगिंग टू द हैंडल बार वॉज ड्रैग्ड सेवरल यार्ड्स बिफोर आई रिलिंक्विश्ड माई होल्ड। मेरा पाँव सीढ़ी से फिसला और मैं गिर गया, लेकिन मैंने हैंडल नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ फासले तक मैं ट्रेन के साथ घिसटता रहा और फिर गिर गया। एंड देयर आई ले फॉर सेवरल मिनट्स फीलिंग अ लिटल शेकन व्हाइलस्ट द ट्रेन पास्ड स्विफ्टली ऑन इनटू द डार्कनेस। मैं कुछ वक्त तक बदहवास रहा और ट्रेन सीटी बजाती हुई अंधेरे में गुम हो गई। वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द ऑथर एंड हिज कंपेनियन नो दैट द ट्रेन वॉज शॉर्टली गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन? आंसर, द ऑथर एंड हिज कंपेनियन न्यू दैट द ट्रेन वॉज शॉर्टली गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन बिकॉज पैसेंजर्स वर ऑलरेडी पेसिंग द प्लेटफॉर्म, द लगेज वॉज प्लेस्ड इन रेडीनेस एंड अ नंबर ऑफ क्यूरियस पीपल हैविंग नथिंग एल्स टू डू हैड असेंबल्ड हियर टू सी द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द ट्रेन। Why did Davis allow his companion to jump on the train first? Answer, Davis allowed his companion to jump on the train first because he had a maimed hand. This is the end of today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.